तो गरीब साइंटिस्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे इंडिया के फर्स्ट वीनस मिशन शुक्रयान 1 के बारे में। ये 2023 में लॉन्च होगा। लॉन्च करने के लिए GSLV Mark 3 का यूज किया जाएगा। ये एक ऑर्बिटर मिशन है, मतलब वो वीनस के ऑर्बिट में खुद को प्लेस कर देगा। बहुत सालों बाद इस धरती पे एक वीनस मिशन होने वाला है। लास्ट सक्सेसफुल वीनस मिशन 2010 में हुआ था, जो एक जापान का स्पेसक्राफ्ट था। इस सैटेलाइट पे 12 इंडियन एक्सपेरिमेंट्स और 5 फॉरेन एक्सपेरिमेंट्स होंगे। आगे बढ़ने से पहले वीनस को जान लेते हैं। वीनस एक बहुत गर्मा गर्म प्लैनेट है। उसके सतह पे यानी सरफेस पे 467 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है और प्रेशर 93 बार। अगर आपको 93 बार कितना है जानना है, तो अगर आप सी में यानी समंदर में 930 मीटर डीप जाओगे, तो जो प्रेशर आपकी बॉडी फील करेगी वो 93 बार होगी। बहुत ज्यादा है वो, और कोई स्पेसक्राफ्ट इतना डीप सर्वाइव नहीं कर पाता है, इसलिए कोई लैंडर्स ज्यादा जाते नहीं है सरफेस पे। इसलिए इसरो एक बलून अप्रोच यूज करने वाला है। वो करेंगे क्या, एक हीलियम फील्ड बलून को डिप्लॉय करेंगे वीनस के एटमॉस्फेयर में। वो अब सरफेस पे जाएगा नहीं, 55 किलोमीटर अबव द सरफेस होगा, ताकि उसे प्रेशर फील ना करे पड़े। और 55 किलोमीटर वीनस के ऊपर ऑलमोस्ट अर्थ जैसा सिचुएशन होता है, क्योंकि वीनस की ग्रेविटी थोड़ी सिमिलर है अर्थ से, और वहां पे प्रेशर 55 किलोमीटर पे भी सिमिलर है। इसरो मोस्टली मेटेलिक बलून यूज करेंगे, क्योंकि बाकी और कोई बलून मेल्ट हो जाएगा हीट से। इस पे भी मल्टीपल साइंस इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। अब ये साइंस इंस्ट्रूमेंट्स वो 12 या 15 में से होंगे या सेपरेट होंगे, ये अब तक हमारे पास डिटेल्स नहीं है। जो भी होगा, काफी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट होगा। बहुत समय बाद ऐसे कुछ यूनिक मिल रहा है साइंस कम्युनिटी में, और हमारे पास श्योर बहुत सारे डेटा आएगा। बट ये फर्स्ट टाइम नहीं है जो बलून एक्सपेरिमेंट हो रहा है। इससे पहले रशिया का वेगा मिशन 1985 में सिमिलर कुछ अटेम्प्ट किया, बट उन लोगों ने वीनस के डार्क साइड में लॉन्च किया था बलून, जिसके कारण 46 आवर्स के बाद उसकी बैटरीज खत्म हो गई और वो प्रोब मर गया। आई होप अभी इसरो के पास जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उससे वो अच्छा रिलायबल बलून या इक्विपमेंट जरूर बना पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी, और शेयर करना मत भूलना।